जी, मेरा नाम सुनीता है, मैं जिला ब्यावर से हूँ, रायपुर ब्लॉक गांव कानूजा की रहने वाली हूँ। तो मैं मतलब पहले जीडीएस में काम करती थी, ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज, उसमें स्वयं सहायता समूह का काम था। मैंने 3 साल उसमें काम किया, उसके बाद में मैंने मतलब हमारे गाड़ी ले ली थी, तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों गाड़ी पे जाया करते थे। तो मतलब हस्बैंड गाड़ी चलाते थे, मैं कनेक्टरी करती थी। तो उसमें ऐसा लगता था कि मैंने पहले तो मतलब मुझे झिझक होती थी कि मैं जाऊंगी तो मुझे लोग क्या बोलेंगे, मतलब ऐसे लगता था। और लोग बोलते भी थे कि मतलब बहू होके घूंघट नहीं निकालती है, गाड़ी में सबसे बात करती है। तो थोड़ा बहुत तो मैं उनसे मतलब उनकी बातों पे ध्यान देती थी, लेकिन मुझे धीरे धीरे उनकी आदत हो गई, तो मैंने उनकी बातों को मतलब जवाब उनका सामना करना सीख लिया। तो वो जो बोलते हैं उनको मैं मतलब संतुष्टि से जवाब देती थी, मतलब महिलाओं को हर काम करना चाहिए। उसके बाद मैंने 3 साल गाड़ी पे काम किया, तो गाड़ी मतलब और लेने के बाद में उन्होंने स्टाफ रख दिया। फिर मैं एसआर अभियान से जुड़ी, तो मैंने ब्यावर में इंटरव्यू दिया था। मैं 5 पंचायत में काम करती हूँ, कानूजा, जाला की चौकी, दीपावास और पचानपुरा, इन पंचायतों में काम करती हूँ। तो मतलब वहाँ छोटी छोटी डाड़ियाँ हैं, तो जैसे मतलब अनजान लोग ई मित्र दूर पड़ जाता है तो वो लोग आ नहीं सकते, उनको मतलब हर चीज़ की जानकारी नहीं होती है। तो हम जैसे मतलब बंदों को लगाने से यही है कि हम हर सामाजिक योजना उन लोगों तक पहुँचा सके और उनका लाभ दिलवा सके उनको। इन 5 महीनों में वृद्धावस्था पेंशन कानूजा में 112 करवाए, और जाला की चौकी में मैंने 43 करवाए, पचानपुरा में मैंने 50 के लगभग करवाए, और कालब में मैंने 38 करवाए। इस तरह से मतलब मैंने हर मतलब सामाजिक जैसे जन वो केवाईसी होती है, गैस केवाईसी, जन आधार केवाईसी, ये सब कार्य करवाया है मैंने। 3 बच्चों का पालनहार 1.5 साल से बंद था, तो वो पालनहार मैंने एसआर अभियान की पेज पे शिकायत करके, तो उन वो अभी शुरू हो गया, मतलब उनका पालनहार मिल रहा है अभी। और एक बूढ़ी महिला है हमारे गांव कानूजा के अंदर ही, मतलब उसकी एज 75 से 80 के लगभग है, तो उसको मतलब दिखता नहीं है और बच्चे भी नहीं है उसके। तो ई मित्र वाले क्या करते हैं, उसके वो आगे पीछे कोई है नहीं, तो वो ई मित्र वाले उसको 1500 पेंशन आती है, लेकिन 1500 देते नहीं है उसको, तो उसको 1000 रुपये या 900 रुपये ऐसे ही निकाल के देते हैं। तो क्यों, वो पता नहीं है उसको, और कोई बोलने वाला भी नहीं है, वो किसको जाके बताए। तो वो एक दिन मैं उससे मिली, तो उसने बोला कि मुझे पेंशन मतलब 800 रुपये, कभी 900 रुपये ऐसे ही देते हैं, और ई मित्र वाला मतलब बदतमीजी से बात करता है। तो मैंने उसकी जन सूचना पोर्टल पे ये पेंशन चेक की मैंने, तो उसकी पेंशन 1500 रुपये बता रही थी। तो मैंने उसको बोला आप जब भी ई मित्र पे जाओ तो मुझे लेके जाना, तो वो ई मित्र पे मुझे लेके गए, और मैंने उस पर पेंशन का रिकॉर्ड निकाल के ई मित्र वाले को बताया, मैं भैया देखो इसकी पेंशन 1500 रुपये आ रही है, तो आप 900 रुपये या 1000 रुपये ही क्यों दे रहे हो। तो फिर उसने बोला कि ऐसे ही आती है आगे से, मैं आगे से कोई आधे आधे थोड़ी देता है पूरी। फिर उसको पूरी पेंशन दी थी,